हेलो नमस्ते दोस्तों, मनीषा राय ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ, और सबका ही फेवरेट होता है, चाहे शहर को या गांव का, बहुत ही टेस्टी से लगता है सबको। सबका ये फेवरेट रहता है बाटी चोखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाटी चोखा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही समय साफ सफाई चल रहा है दिवाली का, और बाटी चोखा आज आ गया था हरा हरा बैगन मंडी से आ गया था सब्जी, तो मन कर रहा था बाटी चोखा खाने के लिए। मैं सोची आज बना ही लेती हूँ बाटी चोखा। तो देखिए इधर आटा ले लिए हैं, इसमें डाल दे रहे हैं 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दे रहे हैं, और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दे रिफाइन वाला, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आटा, ये सब डालने से लिट्टी, और लिट्टी बहुत ही मुलायम रहता है डालने से। अब इसमें मिक्स कर लेते हैं आटे में, और पानी डाल के तो अब इसको गूंथते हैं। इसको जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरीके आटे को गूंथना है, ना ज़्यादा कड़ा करना है ना ज़्यादा नरम करना है, उसी साइज जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको गूंथना है। देखिए आटे में से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे, और इधर देखिए दोस्तों मेरा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब चल रहे हैं, आटा को ढक कर रख देंगे, अब चल रहे हैं बाहर, और आग सुबह, क्योंकि आटा पहले से मैं गूँथ दी थी ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। देखिए दोस्तों इधर मैं बाहर आ गई थी, इधर कंडी रख लिए हैं और जलाने के लिए ये सरसों वाला, सरसों आटा बोलते हैं वाला है, उसको ले लिए हैं, और इसमें अब देखिए माचिस लगा के जला देंगे और रख देंगे सुलगने के लिए। देखिए इधर जल गया, धुआं बहुत लग रहा था वीडियो में, आ गया धुआं बहुत ज़्यादा, इधर पकड़ लिया आगे। अब इस पर रख देंगे ढेर सारा ऊपर ही, जितना हमको जितने हमारा बन जाएगा बाटी चोखा उतना सुलगा देंगे ऊपरी को। और इधर देखिए ले लिए हैं बैगन और आलू है, टमाटर है। अब आग सुलग जाए तब इसको रखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें लगा ले रहे हैं सरसों का तेल, क्योंकि तेल लगाने से बैगन जलता नहीं है, और बहुत अच्छा इसका छिलका भी उतर जाता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका सोन सोन लगता है तेल लगा के भूजने पर। टमाटर में भी लगा दे रहे हैं तेल को। इधर देखिए चाकू से होल करके बैगन में थोड़ा सा लहसुन छिलके रखे थे उसको भी डाल दे रहे, उसका कली 1-2 डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है ये बैगन में हो जाता है लहसुन। देखिए एक तरफ चला गया है, एक तरफ और करके उसमें भी डाल दे रहे हैं, सारे बैगन में ऐसे ही डाल देंगे कर करके, बहुत ही अच्छा लगता है लहसुन बैगन के अंदर का जो हो जाता है। इसी तरीके देखिए दोनों तरफ कर दिए हैं, अब इधर आग भी सुलग गया है, अच्छे से हो गया है, अब बैगन रख दे रहे हैं अच्छे से हो जाए। देखिए इधर गिर गया, रख दे रहे हैं, इस पे हो जाएगा, क्योंकि इसको आँच ज़्यादा ही रहे तभी बैगन बहुत ही अच्छा होता है, धीमे आँच में बैगन नहीं हो पाता है। इधर टमाटर भी रख दे रहे हैं, देखिए अब इन सब, अब बैगन को देखिए अच्छे से रख दिए हैं, थोड़ा सा कंडी और लगा दे रहे हैं चारों तरफ से, ताकि आग दोबारा जलाने का हमको ना पड़े। इधर देखिए आलू भी डाल दिए हैं होने के लिए, और इसको भी साइड में कर दे रहे हैं ताकि ये भी होते रहे, नहीं तो बैगन ये हो जाएगा तो फिर आग भी ज़्यादा मुरझा जाएगा, दोबारा हमको जलाना पड़ेगा। अब बैगन को उलट पलट देंगे इसको। देखिए इधर टमाटर हो गया है, टमाटर बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इसका बहुत ही पतला छिलका होता है। इधर देखिए बैगन भी बहुत तो हो गए हैं, तो ऐसे इसको इधर उधर और कर देंगे, हल्का हल्का ही लग रहा था कि हमको कच्चा है, इसलिए देखिए इधर बैगन भी अच्छे से हो गया है, निकाल लिए हैं बाहर थाली में। अब चल रहे हैं लिट्टी बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए लिट्टी आटा में बहुत ही पहले से तो गूंथ के रख दी थी, बहुत ही अच्छा ये फूल गया है, देखिए बहुत ही बढ़िया बनाने से बन जा रहा है। देखिए सारा लिट्टी मैं बना के तैयार कर ली हूँ, और दूसरे भी थाली में है लिट्टी,
और आप लोग सोचेंगे बहुत कम लिट्टी है, आटा ढेर सा लग रहा था। इधर देखिए आग भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब इस पे रख देंगे सारा लिट्टी एक एक करके, इसी तरीके सारा लिट्टी रख देंगे इस पे। आग वाला लिट्टी किसको किसको पसंद है आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए। इधर देखिए सारा लिट्टी मैंने रख दिए हैं, अभी को होने देते हैं 10-15 मिनट तक के। देखिए हो गया है, अब दोनों तरफ इसको पलट देंगे, उस तरफ भी हो जाए अच्छे से। देखिए सारे लिट्टी को ऐसे ही पलट देना है। इधर देखिए सारे लिट्टी को अच्छे से पलट दिए हैं, अब धीमे आंच पे होगा तभी इसमें अंदर अच्छे से पक पाएगा लिट्टी, नहीं तो ज़्यादा आंच रहेगा तो ये जल जाएगा, अंदर से नहीं हो पाएगा। देखिए अब इन सब लिट्टी को साइड कर देंगे, अब इसमें जगह बना के अब इनको आग के अंदर इसको ढक देंगे, क्योंकि आग के अंदर ढक देंगे तभी अच्छे से पकेगा लिट्टी, एकदम बहुत अच्छा ही पक जाता है। देखिए एक एक करके ऐसे बीच में करके और चारों तरफ का आग इस पे चढ़ा देंगे। इधर देखिए सारा लिट्टी एक जगह कर दिए थे इकट्ठा, और आग उस पे चढ़ा दे रहे हैं, तभी साइड साइड से आग वाला लिट्टी हमारे यहाँ तो लिट्टी बहुत पसंद करते हैं। इधर देखिए आलू भी मेरा हो गया है, और हमारे यहाँ लिट्टी बहुत पसंद करते हैं। ठंडी के महीनों में तो हफ्ते में 2 बार बन जाता है लिट्टी, बाटी घर में बहुत ही सबको पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। इधर देखिए लिट्टी को अब निकाल के देखते हैं बाहर कि हो गया है कि नहीं। इधर देखिए सारा लिट्टी देखिए कितना अच्छा फट गया है, और ऐसे फटने पे हो मतलब पता चल जाता है कि लिट्टी अंदर से बहुत ही टेस्टी पक गया है, और बहुत ही अच्छे से पक गया है अंदर से। अब इसको फिर से दोबारा से पलट देंगे, और फिर भी इस पे आग चढ़ा देंगे दोबारा से। देख सकते हैं कितना कितना अच्छा पक गया है। अब इसको आग से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक जब तक चोखा नहीं तैयार कर लेंगे, नहीं तो लिट्टी ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इधर देखिए मैं बैंगन आलू टमाटर अच्छे से साफ कर लिए हूँ, छील लिए हूँ। अब चल रही हूँ मैं इसका चटनी बनाने के लिए, इसमें डालने के लिए। देखिए इधर ले लिए हैं धनिया है, अदरक है और मिर्ची है, काट लिए हूँ। अब चल रही हूँ इस पर सिलबट्टे पे पीसूँगी, क्योंकि सिलबट्टे पे पीसने का कुछ और ही स्वाद रहता है। आप लोग अगर कभी लिट्टी बाटी बनाते हैं तो सिलबट्टे पे ज़रूर पीस के डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इधर देखिए लहसुन का कलिया ले लिए हैं, छिल के रखे थे पहले से हमें, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए अच्छे से पिस गया है, थोड़ा मैं बिल्कुल ज़्यादा महीन नहीं की हूँ, क्योंकि ये चोखा में थोड़ा सा दिखेगा तो अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्ट तब लगेगा। देखिए इधर अब चोखे बना लेती हूँ। इधर देखिए चोखा मेरा सारा अच्छे से मैं इसको मिक्स दी थी, अब इसमें डाल देते हैं जो चटनी बनाई थी नमक और लहसुन का, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर देखिए 2 प्याज काट लिए थे, और मूली था उसको भी बारीक काट से मैं पहले से रख ली थी, उसको भी डाल के मिक्स कर देंगे सारे में चोखे में। इसको ये सब डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है चोखा। मैं ही ऐसे ही चोखा बना रही, चोखा तो कई प्रकार से बनाया जाता है। इधर देखिए सरसों का तेल डाल देना है 1 चम्मच, तेल डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है और चोखा सोन सोन लगता है खाने में। और
इधर देखिए डाल दे रहे हैं हरी धनिया ऊपर से कटा हुआ, देखिए चोखा मेरा बन के तैयार हो गया। दोस्तों बनाते बनाते तो मुंह में पानी आने लगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको मुंह में पानी आया है चोखा ये बाटी देख के। और अब चल रहे हैं मैं खाना सबको देने के लिए। इधर देखिए बाटी भी मैं निकाल के ले आ रही ला रही थी पहले से। इधर अच्छे से देखिए झाल ली हूँ, इसको साफ कर ली हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं दोबारा मैं बाटी बनाऊंगी तो कैसे इसको साफ करते हैं, कैसे इसका मिट्टी निकलता है मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि इस बार समय नहीं था ज़्यादा इसलिए मैं नहीं आपको पूरा वीडियो दिखा पाई। इधर देखिए आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी चोखा और बाटी बना था। इधर देखिए मैं थाली में निकाल ले रही हूँ पापा जी को देने के लिए, और आप लोग भी देखिए इधर लिट्टी में घी लगा लिए हैं। इधर देखिए कटोरी में घी ले लिए हैं और इसमें इसको घी में को अच्छे से मैं गर्म कर ली थी। अब इसमें लिट्टी देखिए तोड़ के इसमें से डुबा के और सबको ऐसे दूंगी खाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है घी और बाटी चोखा खाने में। मेरे यहाँ तो ये गाय मतलब भैंस का घी है, मेरे घर का ये भैंस का घी है, मैं खुद मट्ठा मार के इसको घी को निकाल के रखी हूँ। और इधर देखिए लिट्टी में लगा के मैं, जब ज़्यादा घी रहता है तो सब एक एक करके कटोरी में लेके सब घी खाते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि इतना साफ सफाई दिवाली का चल रहा है फिर मैं आपके लिए वीडियो बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ और आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।